नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि जब हम किसी एम्पलीफायर के अंदर अपना सबवूफर या स्पीकर चलाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्पीकर है वो आवाज़ जो है उसमें फटने लग जाती है, और उसके अंदर क्या है कि बेस भी हमारा क्लियर नहीं आता और जो ट्रेबल है वो भी क्लियर नहीं आता और आवाज़ जो है क्लियर नहीं आती। अब देखिए, मैं आपको इसके अंदर चला के दिखाता हूँ। अब इसके अंदर देखिए, जब ये गाना चल रहा है इसके अंदर जो है बेस जो है वो हद से ज़्यादा है, ये देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जो बेस है वो इतना रहे कि जितने हमारे स्पीकर को ज़रूरत है, यानी कि जितना हमारे स्पीकर को ज़रूरत है उतने इसके अंदर बेस जाए, उतना ही मिट जाए और हमारा जो स्पीकर है एकदम बढ़िया वर्क करे। और दोस्तों, ये जो ट्रिक है इससे क्या होगा, आपका स्पीकर अगर आप किसी भी सर्किट में स्पीकर चलाते हो 10 वाट से एम्पलीफायर के लेके और 100 वाट तक का, यानी कि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये 10 वाट से लेकर और 100 वाट तक के किसी भी एम्पलीफायर में यूज कर सकते हो। अगर आपका बार बार स्पीकर ख़राब हो रहा है उसके अंदर, यानी कि 2 से 3 महीने बाद स्पीकर की कोयल जल जाती है या स्पीकर ख़राब हो जाता है, तो ये ट्रिक उसके अंदर आपकी काम आएगी। अब देखिए, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको देखिए एक यहाँ पर कैपेसिटर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कैपेसिटर है, देखिए 470U 25 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें क्या करूँगा, हम 2 कैपेसिटर लेंगे। ये देखिए, मैंने 2 पीस कैपेसिटर ले लिए। और दोस्तों, ये जो ट्रिक है, अगर चाहे आपका टीवी हो, एलसीडी हो, एम्पलीफायर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वहाँ पर स्पीकर बार बार ख़राब हो रहा है तो ये ट्रिक आप वहाँ पर लगाइए और आपका स्पीकर कम से कम भी 10 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये देखिए माइनस से माइनस, यहाँ पर माइनस से माइनस को इस तरीके से जोड़ देना है। ये देखिए, ये मैंने माइनस से माइनस इस तरीके से जोड़ दिया और इस पिन को कर दिया यहाँ नीचे। अब बची हमारी 2 पिन, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए, जो हमारी स्पीकर की पॉजिटिव वाली वायर है वो तो हमने यहाँ लगा दी, डायरेक्ट लगा दी। ये देखिए, पॉजिटिव वाली हमारी स्पीकर की वायर डायरेक्ट लग गई। और यहाँ पर जो, अब यहाँ पर देखिए एक वायर स्पीकर की ये लगी, अब बची हमारी एक वायर जो हम देखिए इसे जोड़ कर, ये देखिए ये वाला हमारा, मैं सॉन्ग जो वही वाला ही लगा देता हूँ जो हमारा सॉन्ग पहले था इसके अंदर। अब देखिए, इसके अंदर जो पहले बेस आ रहा था वो बेस इसके अंदर मतलब इस तरीके का आ रहा था कि हमारा स्पीकर जो जल्दी ख़राब हो जाता, क्योंकि उसकी कोयल हीट होती और हमारा स्पीकर जो है वो ख़राब हो जाता। अब देखिए, यहाँ पर जो है हम इस कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे। अब देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही बेस आएगा मैं इसको लगाऊंगा और यहाँ पर देखिए आप, इसका जो साउंड है वो ऐसा हो जाएगा कि इसके अंदर बेस ट्रेबल जो भी है एकदम क्लियर आएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, अब देखिए ये जो, ये हम स्पीकर के थ्रू दे रहे हैं और ये डायरेक्ट है। आपने देखा, डायरेक्ट जब मैं लगा रहा हूँ तो इसके अंदर उतना ही ऑडियो जा रहा है जितना स्पीकर के अंदर जाना चाहिए, लेकिन हमारा स्पीकर जो ज़्यादा हिल रहा है। ये देखिए हिल रहा है, और जैसे ही मैं कैपेसिटर के थ्रू दूंगा तो इसके अंदर बास और ट्रेवल उतना ही जाएगा जितना इसको चाहिए। आपने देखा कि मैं जब इसको लगा रहा हूँ तो हमारा स्पीकर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, जितना हमारे स्पीकर को जरूरत है उतना चल रहा है। देखिए, ये देखिए, तो मैं बीच बीच में गाने को इसलिए रोक रहा हूँ दोस्तों कि हमारे वीडियो के अंदर कोई भी कॉपीराइट ना आए। ये देखिए, ये स्पीकर के थ्रू और ये डायरेक्ट, ये देखिए। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों, प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दिया मैंने, ये कैपेसिटर आप पॉजिटिव और नेगेटिव किसी के अंदर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये सीरीज के अंदर लगेगा, जैसे कि आपकी ये स्पीकर की 2 वायर होती है, इसमें से एक वायर को हटाओ और इसको इस तरीके से सीरीज में लगा दो। तो मैंने आपको देखिए प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऐसा सबवूफर या स्पीकर होता है जिसके अंदर मैग्नेट जो है वो छोटी होती है और हमारे स्पीकर के अंदर आवाज़ जो फटने लग जाती है, तो इस कैपेसिटर का हम यूज वहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना।